हेलो गाइस, फिर से स्वागत करते हैं और एक नई ब्लॉग वीडियो में फ्रॉम कुछ बिहार। चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, फाइनली पहुंच गया कुछ बिहार पैलेस में। हम लोग बहुत दिन से सोच रहा था कि कुछ बिहार में एक बार टूर करेंगे, लेकिन प्लानिंग नहीं हो रहा था और अभी फाइनली पहुंच गया। तो आप लोगों को दिखाने वाला है बहुत कुछ कुछ बिहार के अंदर, मतलब पैलेस के अंदर बहुत कुछ दिखने वाला चीज़ है। सो बहुत ही सुंदर है ये पैलेस। सो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, बहुत कुछ दिखने को मिलेगा। सो कहीं पे नहीं जाना है। अभी हम लोग पैलेस के अंदर जब घुसेंगे, आप लोगों को एक एक चीज़ दिखाएंगे। और हम लोग कोशिश किया था कि गेट के सामने से वीडियो करेंगे, लेकिन नहीं, अलाउ नहीं था। सो फाइनली हम लोग पैलेस के अंदर घुस गया। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे चारों तरफ बहुत सारे लोग आए हैं इसमें, और हमेशा ही लोग रहता है, लेकिन संडे को ज़्यादातर भीड़ रहता है। और देख सकते हैं ये एक रानी का पिक्चर है इसका, और ये एक उत्सव का था। सो आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ये पैलेस के अंदर। और ये जो देखिए, जस्ट ऑसम इसका जो डिज़ाइन है गाइस। कुछ बिहार 1 जनवरी 1950 एक वेस्ट बंगाल का डिस्ट्रिक्ट बना, उससे पहले एक प्रिंसली स्टेट था। और अभी हम ऊपर जाएंगे और ऊपर जाके दिखाएंगे ऊपर में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, सब कुछ आपको आप लोगों को दिखाने का कोशिश करेंगे। और ये देखिए, मतलब ऊपर से जो व्यू है, चारों तरफ पैलेस है देखिए, और अंदर में जो व्यू है ऑसम, जस्ट ऑसम व्यूज गाइस। आप लोग मतलब वहाँ पर मतलब जाने से इतना खुश होगा, कितना कुछ मतलब अच्छा लगेगा देखने के बाद। ये देखिए पुराना, ये सब चीज़ जो है, ये सब मतलब राजा लोगों ने यूज़ किया था। और जो कुछ बिहार का ये जो पैलेस है, इसका आर्किटेक्चर कैसे बना के रखा है, इतना सुंदर है देखने में, जस्ट ऑसम। और ये सब भी ऑसम है, आप लोग देखते रहिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। और मैं इस पैलेस में पहले भी कई बार आया था, बट उस टाइम में मैंने वीडियो नहीं किया था। बट इस टाइम मैंने कोशिश किया वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर में वीडियो में मैं बात नहीं कर सका क्योंकि वहाँ पर अलाउ नहीं था। आप लोग देखिए, यह सब राजा लोगों ने यूज़ किया था। ये गन देख सकते हैं आप लोग, पुराना गन, और ये तलवार है, सब कुछ है वहाँ पर, जितना मतलब राजा लोगों ने यूज़ किया था, पुराना पुराना चीज़। और यह सब कुछ मतलब डिफेंस का कुछ था शायद, आई थिंक, बट आई डोंट नो। और गाइस, आप लोगों को अभी मैं दिखाने वाला है जो व्यू है बाहर का, पैलेस के बाहर का जो व्यू है, देखिए, वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल व्यू यार। आप लोग मतलब पागल आ जाओगे, इतना सुंदर है व्यू। मतलब मैं इतना बार गई थी, फिर भी जाने का मन करता है, इतना मतलब असम व्यू है, अनबिलीवेबल गाइस। देख सकते हैं आप लोग, व्हाट ए ब्यूटीफुल व्यूज यार, जस्ट एंजॉय इट व्यू गाइस।
और गाइस ये जो कोचबिहार पैलेस का लोकेशन है, ये लोकेशन है बस टर्मिनस केशव रोड नियर सेंट्रल कोचबिहार वेस्ट बंगाल में। और ये कोचबिहार ऑल्सो कॉल्ड द विक्टर जुबली पैलेस, इसको विक्टर जुबली पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक लैंडमार्क इन कोचबिहार सिटी, कोचबिहार सिटी का एक लैंडमार्क है। और इट वॉज मॉडल्ड आफ्टर बकिंगहम पैलेस इन लंडन एंड वॉज बिल्ड इन 1887। और ये जो कोचबिहार पैलेस है, ये लंदन का बकिंगहम पैलेस को जिस आर्ही में बनाया गया है, उसी सेम आर्ही में ये कोचबिहार पैलेस को भी बनाया है। और ये पैलेस जो बनाया है उस राजा का नाम है महाराजा नृपेंद्र नारायण ऑफ कोच डायनास्टी का वो राजा था। और ये जो कोचबिहार पैलेस है ये अभी म्यूजियम है, ये एक म्यूजियम है और इसको सरकार द्वारा अभी कंट्रोल किया जाता है। और ये कोचबिहार का जो पैलेस है, इसका जो एरिया है 51,309 स्क्वायर फीट। और कोचबिहार का मेन जो अट्रैक्शन है वो है ये कोचबिहार पैलेस। और कोच डायनेस्टी का फर्स्ट राजा था महाराजा विश्व सिंगा एंड लास्ट राजा था महाराजा जगदीपेंद्र नारायण। और हमारा जो नृपेंद्र नारायण था उसका जो स्पोज था वो था सुनीति देवी। और गाइस ये है बाहर में, हम लोग अभी कोचबिहार पैलेस के अंदर एरिया के अंदर दो ऐसा पॉन्ड है, आप लोग देख सकता है, ये एक पॉन्ड है और दूसरा एक है, आप लोग पहले ही देख लिया है। सो गाइस अभी हम लोग ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया इस पैलेस को, मतलब टूर करना, और अभी हम लोग जा रहा है। और आप लोग इस ब्लॉग को कैसे एंजॉय किया, कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर अच्छा लगे तो ब्लॉग को शेयर कीजिएगा। और थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।